प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजकीय माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक पद पर चयनित 436 अभ्यर्थियों को लखनऊ से ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किए, जिसमें गोरखपुर जनपद के 3 शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें गोरखपुर के NIC सभागार में जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव नियुक्त शिक्षकों को दायित्व बोध का पाठ भी पढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो रही है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। चयन प्रक्रिया में अगर कहीं भी गोपनीयता भंग होती है तो कठोर कार्रवाई की जाती है। इस दौरान गोरखपुर के NIC सभागार में राज्यसभा के सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, विधायक शीतल पांडे, विपिन सिंह, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित नवनियुक्त शिक्षक मौजूद रहे। इस दौरान जनपद से चयनित 3 नवनियुक्त शिक्षकों को जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनियुक्त शिक्षक कुसुम सिंह यादव, अनामिका पांडे, डॉक्टर हरिप्रताप त्रिपाठी व सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा। राजकीय विद्यालय सोनवर्ग अक्सर रूरल एरियाज में होते हैं। कौन एरिया है? गब्बापुर। गब्बापुर जी, सिरसिया गब्बापुर कालन करके है। अब तो रास्ते भी बढ़िया हो जा रहे हैं। कार जारी है और 3317 नियुक्तियों को जहाँ हमने पहले किया है, वही 436 नियुक्तियों को हम लेकर आ रहे हैं। हमारे विभाग के द्वारा ऑनलाइन संबद्धता का काम, ऑनलाइन जो हमारे सर्टिफिकेट हैं उनका काम, ऑनलाइन रिजल्ट और सारी चीजों की व्यवस्था को, चाहे वो प्रवेश हो आधार से जोड़ने का काम, जो टेक्नोलॉजी है उसको हर चीज में एडॉप्ट करने का काम माध्यमिक शिक्षा विभाग ने किया है। जो हमारे अभ्यर्थीगण हैं उनके पास ये विकल्प है कि वो अपने स्थान को, अपने मनचाहे स्थान का चयन वो कर सकते हैं। आसूम के रूप में उनकी च्वाइस आएगी। ऑनलाइन व्यवस्थापन की व्यवस्था भी हमने करी है। उन अभ्यर्थियों को जिनका चयन आज हुआ है, सबको इस आशा के साथ नकल विहीन परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके, इसमें सबका महती योगदान होगा। हम अपने नए छात्रों का प्रशिक्षण का कार्य भी साथ साथ जारी रखे हैं। सर, आपसे अनुरोध है कि अब जो ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरण है उसका सभी अभ्यर्थी अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ जनपदों में हम लोग आपसे प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता के रूप में आपका चयन हुआ है और आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। तो पूरे सब्जेक्ट के बारे में, यानी जिस केवल यानी लेसन के बारे में नहीं, पूरे सब्जेक्ट के बारे में ही पूरी जानकारी की जानकारी आपको होनी चाहिए और इसके लिए अपने आप को तैयार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। जी सर, मैं तैयार करूंगी सर। दूसरा ये है कि जिले में कोई भी विद्यालय आपको मिलेगा तो वहाँ चली जाएंगी कि फिर सिफारिश लेकर के आप लोग इधर उधर का चक्कर लगाएंगे कि साहब गांव के घर नजदीक किसी विद्यालय में मेरी नियुक्ति करवाइए? नहीं सर, जहाँ भी मिला है वहाँ मैं अपना वहीं पे मैं कार्य करूंगी। अच्छे कार्य कर पाएंगे ना? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? सर हमारे 3 मजदूर हैं, हमारे ससुर हैं, सब लोग हैं, सब लोग बहुत खुश हैं सर। ठीक है, बहुत सुंदर। मेहनत से कार्य करिए, अपने आप को साबित करिए। एक महिला के लिए तो शिक्षक की नौकरी बहुत सबसे अच्छा माना जाता है। परिवार के सभी सदस्यों ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे
मेरे सहयोगी मंत्रीगण, मान्य सांसद और मान्य विधायकगण, नव चयनित प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 436 प्रवक्ताओं के चयन की इस प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्रीमती गुलाब देवी जी और विभाग के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को हृदय से मैं बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है, जब मैं बातचीत कर रहा था प्रदेश के नौ चयनित प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों से, उनके आत्मबल को देखकर, उनके आत्मविश्वास को देख करके और स्वाभाविक रूप से आत्मबल और एक आत्मविश्वास हमारे लिए प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास रहा है पिछले पौने चार वर्ष के दौरान, आज हमारी सरकार को 3 वर्ष 10 माह का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 3 वर्ष 10 महीनों के इस कार्यकाल के दौरान तो बैठिए ना भाई, हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाया जाए। इसमें किसी के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, योग्यता और प्रतिभा को सम्मान देंगे, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए समाज के वंचित तबकों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर योगदान देंगे और खासतौर पर शासन के एजेंडे में गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, इन सबको ध्यान में रख करके हम शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 19 मार्च को हमारी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा और 4 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होते होते हम 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे सकेंगे, यानी अब तक हम 3,75,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, ऐसे ही नियुक्ति पत्र उनको उपलब्ध करा चुके हैं और शेष प्रक्रिया में है लगातार इस कार्यक्रम। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ही सहायक अध्यापकों के 3,300 से अधिक पदों पे नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम हमने इसी प्रकार के समारोह में किया था। इससे पहले 69,000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को पूरा किया था, उससे पहले 54,000 की प्रक्रिया को पूरा किया था, यानी ये लगातार चल रहा है। 1,37,000 से अधिक हम लोगों ने पुलिस के भर्तियां संपन्न की थी और इस पूरी प्रक्रिया में आप देख रहे होंगे कि लगभग 4.25 लाख से अधिक नियुक्ति सरकारी नौकरियों की निकली, भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, किसी को भी उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। चयन की प्रक्रिया में कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, चयन की प्रक्रिया के बारे में कहां पेपर बन रहा है, कितने पेपर के सेट होने हैं, कहां कहां कौन पेपर जा रहा है, कहां कहां सेंटर बनने हैं, हमें इससे कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। ये जानकारी परीक्षा नियंत्रक के पास होगी और गोपनीय होगी और अगर कहीं भी गोपनीयता भंग होती है तो फिर वहां पे कठोरतम कार्रवाई होती है, कठोरतम कार्रवाई। लोक सेवा आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, बेसिक शिक्षा परिषद रहा हो या उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड रहा हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या कोई भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, सभी जगह उसी पारदर्शी तरीके से जहां सरकारी नौकरी दे रहे हैं वहीं निजी क्षेत्र में भी ढेर सारी संभावनाओं को हमने आगे उठाया है। यानी निजी क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो 15 लाख से भी नौजवानों को तो हमने सीधे नौकरी दी है, 1.5 करोड़ नौजवानों को हमने रोजगार के साथ जोड़ा है।
इसी प्रकार से करोड़ों नौजवानों को स्वतः रोजगार की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके उस इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और ये जो मिशन रोजगार का अभियान प्रदेश के अंदर है, आज की प्रक्रिया 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के चयन का जो कार्यक्रम और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो पिछले 4.25 वर्षों से लगातार प्रदेश के अंदर चल रहा है। देखिए, सीखने की भी कोई सीमा नहीं होती है, और आप इसको कोई भी व्यक्ति अपने को ये नहीं मान सकता कि मैं अपने फील्ड में पारंगत हूं। हर व्यक्ति को हर एक घटना से और अपने हर एक दिन की प्रत्येक गतिविधि से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। एक विराट क्षेत्र है और आपने इस विराट क्षेत्र में प्रवेश किया है। एक शिक्षक को अपने पाठ्यक्रम में पारंगत तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ उसको देश समाज की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी से अपने आप को भरपूर करना हो। हमारे शिक्षण संस्थानों की स्थिति वैसे ही होनी चाहिए, जो संस्कारवान छात्र छात्राओं को तो वहां से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर ही सके, लेकिन एक छात्र छात्रा के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान भी दे सके। कहां से हैं आप? कहां के रहने वाले हैं? लखनऊ। लखनऊ में चले जाएंगे वहां पे प्रयागराज के रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत सुंदर बधाई आपको। इनका नगर से है, तो वहाँ पे आपका चयन कहाँ? अम्बेडकर नगर में ही हुआ है आपका। आप कहाँ यहाँ से रहने वाले हैं? कुसुम सिंह यादव, बहुत उत्साहवर्धक लग रहा है और मेहनत को आज सफलता मिली है, और मुख्यमंत्री जी का जो ये वचन था कि पारदर्शी तरीके से भर्ती पूरी होगी, वो पूरी तरीके से पालन किया गया है। मेरा सोनभद्र में हुआ है प्रवक्ता मनोविज्ञान। मेरा प्रवक्ता के पद पर हुआ इंग्लिश से, सिद्धार्थ नगर में मुझे मिला है। मैं बहुत ही उत्साहित और एक अलग सा एहसास, एक बहुत अलग अनुभव है मुझे, काफ़ी मैं खुश हूँ। डॉक्टर हरि प्रताप त्रिपाठी, सहज महसूस हो रहा है, उत्साह भी है, एक नया रोल अदा करना है तो खुश हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कुछ अपील भी की है शिक्षा के बारे में? जी, बेशक की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना जो रोल है, जो मैंने पहले भी कहा है, अपना रोल अदा करना और काफ़ी निष्ठा से अदा करना है, तो ये मेरे लिए काफ़ी प्रेरक है। मेरा श्रावस्ती में गब्बापुर एरिया में हुआ, प्रवक्ता अंग्रेजी। देखो, यहाँ तीन लोगों की नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है, और तीनों प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति का पत्र का वितरण हुआ है। एक सिद्धार्थ नगर के लिए और एक सोनभद्र के लिए, और एक जो हुआ है वो श्रावस्ती के लिए हुआ है। तो इन तीनों, दो अंग्रेजी के प्रवक्ता के, एक मनोविज्ञान के प्रवक्ता के पद पर, इस प्रकार से इन तीनों लोगों को गोरखपुर में नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये कहने को तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सभी से, पूरे प्रदेश के शिक्षकों से कह दिया गया है, उनका कहना पर्याप्त है, और जिसमें उन्होंने साफ ये कर दिया कि आप लोग जा करके अपने अपने विद्यालयों में सही ढंग से विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम करें, और नई जो शिक्षा नीति आई है उस नई शिक्षा नीति को समझ करके कार्य करें। उसके साथ ही साथ अनेक ऐसी योजनाएँ हैं जो बच्चों को जानकारी देने की आवश्यकता है, जिससे राष्ट्र का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है। तो मुख्यमंत्री की विकास की योजनाएं, प्रधानमंत्री की विकास की योजनाएं, इसकी भी जानकारी जब बच्चों को दी जाएगी तो वो बच्चे आगे जा करके स्वावलंबी बन सकेंगे।